अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुवत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाइयां हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयां हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी खास अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के भी बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, आगे बढ़ें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली तआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200-500 हज़ार जो आप मदद कर सकते हैं, पाबंदी से चैनल की मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। आई नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त सऊदी वली अहद को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि सऊदी वली अहद फिलहाल अभी पेरिस वगैरह के दौरे पर है, तो खबरें आ रही है कि वहां पर सदर मैक्रोन ने, फ्रांस के सदर मैक्रोन ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का महल में ज़बरदस्त अंदाज में इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और इक्तिसादी शोबे में तआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। वहीं पर खबरें यह भी आ रही है कि सऊदी वजीर तवानाई ने रूसी नायब वजीर आजम से मुलाकात की, तेल की पैदावार और कीमतों समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। यानी ये खबरें बता रही है कि सऊदी ममलकत सऊदी अरबिया अब बाकायदा और भी मुल्कों से मुलाकात कर रहा है और मुलाकात करके तरक्कियात की तरफ कदम बढ़ा रहा है। ममलकत सऊदी अरबिया में अभी अभी आपको मालूम होगा कि हज का अमल मुकम्मल हुआ है और हाजियों की वापसी का सिलसिला जारी है। लेकिन खबरें ये भी आ रही है सऊदी से कि अब गिलाफ काबा की तब्दीली की तैयारियां भी मुकम्मल हो गई। सऊदी से हमारे रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम खान ने बताया कि गिलाफ काबा की तब्दीली की तैयारियां मुकम्मल हो गई है। बैरून मुल्क से आए 7 लाख से ज्यादा हुज्जाज फरीज हज अदा करके अपने अपने वतन वापस पहुंच गए हैं, जबकि 1 लाख हुज्जाज किराम की रवानगी गुज़िश्ता रात मुकम्मल हो जाएगी। इस वक्त अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि वहाँ स्टेडियम में धमाका हुआ, कई लोग जख्मी हुए हैं। राजधानी काबुल में ये दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। स्टेडियम में धमाका हुआ, काबुल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
जहाँ पर T20 के दौरान मैच जो हो रहा था उसी पर उसी वक्त में एक खुदकश धमाका हुआ। इत्तलात के मुताबिक तमाम खिलाड़ी महफूज है और उन्हें बुनकर के अंदर ले जाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम हर साल अफगानिस्तान में ही मुनअक़िद होता है और इस T20 में कौमी टीम के खिलाड़ी, बैरून मुल्क मुकीम खिलाड़ी और ए टीम के खिलाड़ी और अंडर 19 टीम के खिलाड़ी नीज इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले मुतालिका इलाकों के एलिट परफॉर्मर्स भी शामिल है। इसके अलावा ACB ने तमाम टीमों को फ्रेंचाइज के लीग को एक शिनाख्त दी है जबकि हर टीम के लिए ड्राफ्ट के जरिए खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता कल स्टेडियम में धमाके ने माहौल को ख़राब कर दिया है और कई लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। आइए नाज़रीन, अमेरिका से दो बड़ी खबरें आ रही है। पहली बड़ी खबर तो ये आ रही है कि अमरीकी रियासत केंटक्की में भी सैलाबी सूरत हाल है और इलाकों में पानी घुस गया है, मकानात में पानी घुस गया है, 8 लोगों के हलाक होने की खबरें भी आ रही है और मशरिकी इलाकों में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। रियासत की नॉर्थ काउंटी का मरकजी इलाका सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुआ है। वहीं पर अमरीका को लेकर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन को वार्निंग देते हुए, यानी चीन ने अमरीका को वार्निंग देते हुए ये कहा है कि ताइवान के मामले में जो बाइडन आग से न खेले। अमरीकी सदर और उनके चीनी हम मनसब के दरमियान टेलीफोन पर बात हुई, रब्ता हुआ, बातचीत के दौरान दो टोक और क्लियर वाजे अंदाज में चीनी सदर ने जो बाइडन को वार्निंग देते हुए कहा कि मोहतरम आग से न खेलें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। दोनों आलमी रहनुमाओं के दरमियान 2 घंटे तक जारी रहने वाली वर्चुअल मीटिंग ऐसे वक्त में हुई जबकि बीजिंग और वाशिंगटन के माबैन खुद मुख्तार जजीरे से मुतालिक तनाज़े में शिद्दत के खतरात बढ़ रहे हैं। ताइवान को चीन अपने मुल्क का हिस्सा करार देता है, इसलिए ताइवान के मामले में चीन ने अमेरिका को वार्निंग दी कि आप इसमें पढ़कर आग से न खेलें। और चीन ने कहा है कि जाहिर बात है जो आग से खेलते हैं वो जल जाते हैं। आइए नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ईरान और मोसाद को लेकर। आप जानते हैं कि ईरान और इसराइल की ठनी भी है और ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर इसराइल की फटी हुई है। खैर, ईरान ने मोसाद से रवाबित के इल्ज़ाम में 5 अफराद को ईरान में गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से कनेक्शन के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तहरान से ईरानी मीडिया के मुताबिक मोसाद से ताल्लुक़ रखने वाले 5 रुकनी जासूसी नेटवर्क को ईरान ने पकड़ा है। इस हवाले से ईरानी पुलिस का कहना है कि जासूसी नेटवर्क मोसाद के मिडलमैन से रब्तों में था। ईरानी पुलिस ने मजीद बताया कि नेटवर्क के जरिए हमलों की मनसूबाबंदी की जा रही थी। इसराइल का ये जो मोसाद है ये एक बदनामी जमाना एजेंसी है जो कई मुल्कों में तबाह ही मचाती है और लोग साफ तौर से कहते हैं कि ये आतंकवादी कार्रवाइयां भी करते हैं। अब जाहिर बात है कि किसी दूसरे मुल्क में जाकर वहां की जासूसी कराना ये मोसाद की नीच और घटिया हरकत है, जिसको लेकर ईरान ने कहा है कि हमने मोसाद के नेटवर्क के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर मोसाद को लेकर एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि मोसाद ने, यानी इजरायली एजेंसी खुफिया एजेंसी मोसाद ने अर्जेंटाइन में जो इजरायली सफारतखाने पर बमबारी हुई थी, बमबार हमला हुआ था, इजरायली सफारतखाने के बमबार की तस्वीर मोसाद ने शाये कर दी है और उसकी शनाख्त जारी की है। खुदकश बमबार के बारे में दी गई मालूमात के मुताबिक मोसाद ने बताया है कि वो लिबनानी मोहम्मद नूरुद्दीन है, उसकी उम्र 24 साल थी जब वो ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटाइन के दरमियान मुसल्लस बॉर्डर के इलाके में भर्ती हुआ था। उसने 17 मार्च 1992 को बारूद से लदी एक वैन से अर्जेंटाइन की राजधानी ब्यूनस आयरस में इजरायली सफारतखाने के दरवाजे के सामने धमाका किया था। ऑपरेशन के नतीजे में 29 अफराद मारे गए जिनमें सफारतखाने के 9 और वहां पर आने वाले मेहमान विजिटर शामिल थे। मरने वालों में
काउंसिल जनरल और सफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी की अहलिया, 3 तामीराती कारकुन, 1 टैक्सी ड्राइवर, 3 राहगीर और करीबी चर्च के 1 पादरी और 3 बुजुर्ग शामिल थे। तो उस बमबार की तस्वीर मौसाद ने शाये की है। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने वाशिंगटन से आ रही है कि हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस के डेमोक्रेट उम्मीदवार डॉक्टर आसिफ की तौसीख कर दी। अमेरिका की साबिक खातून अव्वल और साबिक सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस के डेमोक्रेट उम्मीदवार डॉक्टर आसिफ महमूद की तौसीख कर दी है। कंट्रोलर जियो न्यूज हेडर को खसूसी इंटरव्यू में क्लिंटन ने कहा कि डॉक्टर आसिफ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि बहसियत डॉक्टर उन्होंने आज तक किसी भी मरीज को फीस ना होने की वजह से घर नहीं भेजा। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा शख्स कांग्रेस का रुकन बनेगा तो यकीनी तौर पर अमरीकी अवाम के मफाद में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर आसिफ महमूद को उन्होंने अपना दोस्त करार देते हुए क्लिंटन ने कहा कि वो 20 सालों से उन्हें जानती है। उन्होंने अमरीकी अवाम पर जोर दिया कि वो डॉक्टर आसिफ को कामयाब बनाएं जो वस्त मुद्दती इंतखाबात में कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट 40 से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यानी हिलरी क्लिंटन ने एक मुसलमान को अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाया है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।